वंस अगेन यार कमाल की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग घूमने जाएंगे आम के बाग, तो फटाफट भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जस्ट चिल भाई, मजा आने वाला है इस वीडियो में। और ये लोकेशन सीतापुर बाईपास है और यहीं पर अभी भाई लोग आएगा, तो अपन इधर भाई लोग का वेट करेंगे, उसके बाद इधर से जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो है हमारे खास मेहमान सादिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो सादिक भाई आज आम एकदम पके मिलेंगे, तो भाई आज हम लोग को ट्रिप पर भाई बता देंगे तुम्हारी। ये देखिए इतनी मोहब्बत, मतलब भाई ट्रिप पर आज लिए जा रहे हैं। वहाँ पर जो है कौन कौन से आम मिलेंगे भाई? लंगड़ा फाटक। तो यहाँ पर सादिक भाई कह रहे हैं कि आम पके हुए नहीं मिले तो क्या मतलब उसमें? आमों को पका दिया जाएगा। अच्छा, आमों को पका दिया जाएगा। पके हुए नहीं मिले तो शिबू भाई को चूना लगा के पका दिया जाएगा। ये मतलब ठंडा पानी है, तो बर्फ जमा वाली है ये। तो हम शिबू भाई से वार्तालाप कर रहे हैं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको शिबू भाई कम से कम एक आम जो है एक किलो का चाहिए। एक आम एक किलो का चाहिए? एक किलो का चाहिए। ऐसा चाहिए कि एक टेम्पो में रख के एक आम आए। हाँ, एक आम जो है एक टेम्पो में आ जाए, इतना और क्या। चौक हजरतगंज का है। हाँ। हम चाहते हैं वहाँ पे एक आम बहुत बड़ा सा मलियाबाद से उठा कर रख दें। अब वो जो है चौराहा आम चौक बन जाए, वो लाइक म्यूजियम टाइप, बाहर से लोग घूमने आए। आदाबादी चिकन बिरयानी ले लीजिए, पार्सल करा ले वहीं बैठ। ये गड़बड़ है बाबा, आम का इरादा है भाई, मुरादाबादी पर कहाँ पहुँच रहे। लोग लोकेशन कहाँ पर रहे, कौन से लोकेशन पर? कटौली गांव क्रॉस कर चुके हैं। कटौली, ये जगह मलियाबाद से ज्यादा मानी जाती है आम के मामले में। जो आपका दिल करे वो गाना सुना दीजिए, सफर को सुहाना बनाइए। गजब बेइज्जती है। तो ये पतली सी रोड, अरे सिग्नेचर थूकना पड़ेगा भाई। ये मेन्यू तभी बढ़िया वॉइस आएगी। अब यहाँ से हम लोगों का बाग स्टार्ट हो गया, तो बाग यहाँ से अभी शुरू है और कदम रखते ही आशा करते हैं आम मिले, सांप ना मिले। मस्त जोक मारा रे। इधर कहीं मुसीबतगंज भी है। मुसीबतगंज निकल गया। म्यूजिक निकल टल गई है। हाँ, आप टेंशन ना ले। गाड़ी के आगे भैंस आ गई, आप देख सकते हैं। कौन है ये लोग? शिवू भाई कैसे हटेगी? हट गई भाई। ये बड़ी समझदार है। आम के गुच्छे लटके भाई, पहुंच गए हम लोग आम के बाग में और फटाफट यहाँ पर तैयारी अब होगी आम खाने की। आज देखते हैं कौन कितना आम खा पाता है, कंपटीशन चलने वाला है। और ये देखिए हमें यहीं पर आम मिल गए। मौसम बहुत ही सुहाना है और ये वही खेत है। ये वही खेत है जहाँ शेकू पहले टट्टी करने आता था भाई। गजब बेइज्जती है। हमें तो बताता था कि घूमने जाते थे हम। फाइनली पहुंच चुके हैं आम के बाग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आम की जो है पैकिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है आम के। और भाई क्या हाल है? सब बढ़िया है। आम की पैकिंग इस तरह से चलती है और यहाँ पर मतलब ऑल इंडिया कहीं भी हर तरफ जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, हर तरफ माल यहाँ पे। इस तरह से देख सकते हैं आम से पैकिंग हो रही है और पैकिंग कुछ इस तरह से यहाँ पर होती है। बाकी स्क्रीन पर भाई का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। आप भी बिजनेस जो है अगर इनके साथ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। या ये देखिए इस तरह से कुछ इसकी पैकिंग होती है। कच्चे ये कच्चे यार, यहाँ पर देखो इस तरह से गत्ते अत्ते हैं और यहीं पर पूरी मतलब यहीं से पूरा इंडिया में कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं भाई लोग। ये देखिए इस तरह से पेटी तैयार। ये बहुत थके लग रहे हजरत। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये जो देख रहे हैं आम, इस आम को तोड़ने के लिए स्पेशली सुपरमैन को बुलाया जाता है। सिग्नेचर खा करके आम तोड़ते हैं भाई। ये देखो किस तरह से आम टूटते हैं, हम आपको वो दिखा रहे हैं। इधर जाना पड़ेगा लग रहा है। कच्ची है लेकिन यही सब तो एक्सपोर्ट होता है, तभी तो रास्ते में भी कुछ पक जाते हैं। ये देखिए किस तरह से आम गिर रहे हैं। अरे वाह, ये देखिए बिल्कुल डाल का पका हुआ है ये लग रहा है। और इसने तोड़ा ये और भाई जान ने यहाँ पर डाल का पका हुआ आम तोड़ा है और हाथ में भी डाल के पके हुए आम है। और ये क्या, हमने देखा तो आम पेड़ पर होते हैं पर ये तो यार इसके ये मिट्टियों के अंदर से निकल रहा है, मतलब इनकी जड़ें अड़े हैं क्या। और यहाँ पर आम ही आम जिधर देखो उधर आम ही आम मिल रहा है और मौसम इज ऑसम। तो हम आशा करते हैं हमें यहाँ पर बस सांप ना मिले वरना लग जाएगी। यहाँ पर हमें एक चाचा चौधरी सोते हुए हेलो काटना नहीं यार, मजाक कर रहे हैं। शिबू भाई कौन सा आम है ये? दशहरी। अरे वाह,
बम्बैया आम ले लो भैया। तो यहाँ पर तो यार आम बहुत ही किस्मों का है, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। ये क्या था, हम दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए और यहाँ पर दो आमों के बीच खतरनाक भिड़ंत हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अरे भैया ये क्या, ये क्या हो रहा है? अरे भैया, अरे मोरी भैया, निकालो निकालो निकालो, ये है चटपट, ले लो। ये सबसे सड़ा और सबसे बड़ा हमें मिला, सड़ा नहीं बेटा वो पिलपिला। तो भाई यहाँ पर बिस्मिल्लाह करते हुए, अरे वाह वाह वाह, मतलब ये मन नहीं कर रहा है, एक भी डॉट नहीं है, खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत। ये तुम्हारा वाला उतना ही खूबसूरत है। और यहाँ पर शुरुआत हो गई भैया, अकेले अकेले इतनी इतनी तेजी से, अभी ये छील रहे हैं भाई। अच्छा छील रहे हैं, और ये यहाँ पर आम का मजा लेते हुए, ये देखो भाई, भाई अरे वाह भाई, बहुत जायकेदार आम है। अरे अरे गजब, गुठली भी लग रहा खा जाएंगे। ये यहाँ पर ये देखिए भाई, ये कौन सा बम्बैया आम है? ये बम्बैया आम है, छीलने में मेहनत लग रही है लेकिन टेस्ट में मजेदार है, एक नंबर है। अरे वाह क्या टेस्ट है भाई इसका, मतलब आज का दिन जो है आम का दिन है। अरे नहीं तो यार, यहाँ पर आम के बाग में इस वक्त, और यहाँ तो बारिश होने लगी। अरे वाह भाई बैठिए, बारिश होने लगी, यहाँ पे पाल आल लगा दिया गया है आम को बचाने के लिए। ये देखिए बारिश हो रही है यार, हाँ हाँ, लेकिन मजा भाई सोचा नहीं था ये आम के बाग में आ गया, इतनी बारिश होने लगेगी। ये देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश हो रही है यार तो है भाई। ए मुजीब आगे उठा लाओ। तो भैया यहाँ पर अपनी अपनी हमने आम जो है पैक हो गई, और बस अब निकलने की हो रही है तैयारी। अरे भैया पेड़ लगा लेते हैं, उठा भाई देखो क्या किलो होगा, उठा के देखो। तो गाइज हम लोग फाइनली आम के बाग घूम चुके हैं, और वहाँ पे बहुत ही हम लोग फन मजा आ गया, बारिश में गर्मी बहुत थी यार अफरोज भाई, गर्मी तो बहुत वहाँ पर, बीच में सब में बारिश हो गई थोड़ी, गाड़ी में आके सुकून मिलता है, थोड़ी सी बारिश हो गई ना उसकी वजह से और दिक्कत हो गई। बस अब जस्ट हम लोग बस निकलने वाला है यार यहाँ से। तो भाई हम लोग बैकअप कर लिए हैं, बस वापस जा रहे हैं। इस व्लॉग को अब यहीं पर करते हैं एंड, और सफर बहुत सुहाना रहा, मिलते हैं एक और ऐसी अनदर अपडेट के साथ। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय, टेक केयर।